एक हफ्ता निकला तो मेरा चाचा का फोन आ गया कि भाई आईएनए वाले जो है अपने आई एंटरटेनमेंट जो है अपने फैमिली वाले ही है, तो माशाल्लाह मेरी सकीना फूफी में जो फूफी है उनके हस्बैंड रशीद भाई उनके रिलेशन में आपका रिलेशन निकल गया, तो हम एक खानदान से ही निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह फैमिली हो गई। अब जितने भी मेरा वीडियो ये देखेंगे और बाद में बोलेंगे भाई ये तो आईएनए वाला तरह मेरा खानदान वाला निकल गया, तो फिर आपको बहुत नुकसान भी होगा, फिर बोलेंगे भाई नहीं तुम तो वो टीम में चले गए ना ये टीम में चले गए। अगर आप अगर बोल दोगे कल की रेहमान भाई मैं आपका फैमिली वाला हूँ, आईएनए के अलावा कोई भी यूट्यूबर लोग को आप फार्म पे मत लाना मैं आपका थोड़ा शूट करूंगा, तो क्या वो सही होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आसिम शेख को नहीं बुलाऊ, क्यों मैं फुरकान को नहीं बुलाऊ, क्यों मैं शादाब को एनबीटी को नहीं बुलाऊ, क्यों मैं एमएसक्यू को नहीं बुलाऊ, क्यों मैं इन लोगों को नहीं बुलाऊ, क्यों उन लोगों को मैं फार्म पे अलाउ नहीं करूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्यों मैं उनको शूट करने नहीं दूँ, क्या वजह? सब लोग करेंगे ना, सब लोग को मिलना चाहिए ना मौका, कि कोई पर्टिकुलर मोनोपोली मैं मेरे फार्म पे ना चलाया था ना चलने दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि ये आगे बढ़ चुका है और उसको घमंड आ गया, तो लोगों की गलत फहमी है, मेरे को आज भी घमंड नहीं, मैं आज भी वो नॉर्मल रहमान मिस्त्री हूँ जो मेरे पार्ले में रहता था, जो रिटेल बैकग्राउंड का ऑपरेशन हेड था और कैटवॉक कंपनी में मैं ऑपरेशन हेड पे था, और मैं वही बैकग्राउंड से ही हूँ। अलहमदुल्ला बकरा शौक है, शौक से हमने एक बाड़ा शुरू किए थे, शौक से आज अलहमदुल्ला 7 बाड़े हो गए, शौक को हमने थोड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल।